लीवर की गर्मी और सूजन को कैसे कम करें। दोस्तों, लीवर को जिगर, कलेजा या इकत से भी जानते हैं। लीवर शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है जो शरीर में 500 से अधिक कार्य करता है। दिन में सबसे प्रमुख है भोजन पचाना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर में उपस्थित विषैले पदार्थ बाहर निकालना और रोगों से लड़ने के लिए शरीर को मजबूत बनाना। अगर लीवर में दर्द, कोई इन्फेक्शन या बीमारी हो जाए तुरंत उसका उपचार करना जरूरी है। लीवर क्या कार्य करता है? भोजन के पाचन में लीवर का कार्य अहम है। कार्बोहाइड्रेट्स को लीवर ग्लाइकोजन के रूप में शरीर में जमा करके रखता है और आवश्यकता पड़ने पर इसे ग्लूकोज के रूप में छोड़ता है। लीवर शरीर में नुकसान करने वाले पदार्थ को निष्क्रिय करता है और प्रोटीन बनाता है जिससे हम रक्त स्राव और इन्फेक्शन से बचे रहते हैं। शारीरिक विकास के लिए लीवर कई पदार्थ बनाने में मदद करता है जैसे ग्लूकोज, खून, प्रोटीन, पित्त। और जो लीवर के रोग है दोस्तों, वायरल हेपेटाइटिस, पीलिया, लीवर सिरोसिस, फैटी लीवर, लीवर कैंसर, लीवर अवसेस और लीवर में सूजन आ जाना लीवर की कुछ बीमारियां हैं। लीवर की कमजोरी के दोस्तों कारण है कब्ज ज़्यादा हो जाना, ज़्यादा फास्ट फूड खाना, नकली दवाई का सेवन करना, ज़्यादा शराब पीना और धूम्रपान करना, एंटीबायोटिक दवाइयों का अधिक सेवन करना, तेल और मसाले वाली चीज़ों का सेवन करना। दोस्तों, अगर किसी रोग के लक्षणों की जानकारी हो तो सही समय पर उसके रोकथाम के उपाय और बीमारी कर और इलाज करके बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है। दोस्तों, इसके लीवर खराबी के जो लक्षण होते हैं, पेट में सूजन आ जाती है, मुंह से दुर्गंध आती है, पाचन तंत्र खराब हो जाता है, पेशाब का रंग बदलना शुरू हो जाता है, चेहरे और आँखों में पीलापन आ जाता है, शरीर में कमजोरी महसूस होती है, आँखों के नीचे डार्क सर्कल जाने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इसके कुछ नेचुरल घरेलू इलाज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो चलिए आज शुरू करते हैं। दोस्तों, हल्दी आपके रसोई में मिल जाएगी। हल्दी में नेचुरल एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। हल्दी का उपयोग लीवर के उपचार में रामबाण दवा है। रात को सोने से पूर्व एक चम्मच हल्दी या गिलास दूध में मिलाकर पिए हर रोज इस घरेलू नुस्खों करने से लीवर की कमजोरी दूर होने लगती है। दूसरा इलाज है दोस्तों, लीवर की गर्मी और सूजन को दूर करने के लिए गाजर और पालक का जूस मिलाकर दिन में 2 बार पिए। इस उपाय को करने से लीवर के सभी रोग दूर हो जाते हैं। मलट्ठी, मलट्ठी लीवर की गर्मी का इलाज करने में काफ़ी फायदा करती है। मलट्ठी की जड़ पीसकर इसका पाउडर उबलते पानी में डालें और जब पानी ठंडा हो जाए तब इसे छान कर पिए। लीवर सिरोसिस के घरेलू ट्रीटमेंट में हर रोज 2 बार 100-100 ग्राम प्याज खाने से फायदा मिलता है। आंवला, दोस्तों आंवला सबसे एक फायदेमंद चीज़ होती है। आंवले में विटामिन सी में अधिक मात्रा में होता है जो जिगर को सही तरीके से कार्य करने में सहायता करता है। आंवला रस या आंवला चूर्ण 20 ग्राम की मात्रा में रोजाना 2 से 3 बार लेने से कुछ दिन में लीवर के सभी रोग दूर हो जाते हैं। नींबू, दोस्तों गर्मियों में नींबू आम पाया जाता है। एक नींबू एक गिलास पानी में निचोड़ लें और उसमें संधा नमक मिलाकर 2 से 3 बार पीने से लीवर की गर्मी दूर हो जाती है। लस्सी पिए गर्मियों में, एक गिलास लस्सी में पीसी हुई काली मिर्च, हींग और जीरा डालकर भोजन के बाद पीने से जिगर की गर्मी से निजात मिलती है। लीवर की सूजन को कैसे कम करें दोस्तों? ज़्यादा पानी पिए, लस्सी का सेवन करें, मिर्च मसाला कम खाएं, तली हुई चीज़ें और घी का उपयोग कम करें, चीनी और दूसरी मीठी चीज़ें खाने से परहेज करें, रोटी की जगह दाल और हरी सब्जी अधिक खाएं, सब्जियों में पालक, लौकी, टमाटर, करेला, गाजर खाएं, फलों में जामुन, पपीता, सेब, आंवला, लीची का सेवन करें और स्वस्थ रखने के लिए दोस्तों नकली दवा लेने से बचें, धूम्रपान और शराब से परहेज करें, योग और एक्सरसाइज रोज करें, अधिक मसालेदार और तला हुआ खाने से बचें दोस्तों, क्योंकि यह जीवन अनमोल है और इसकी सही तरह से देखभाल की जाए तो ज़्यादा ठीक रहता है। धन्यवाद दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और आने वाले और वीडियो में और नुस्खे प्राप्त करें। थैंक यू।